नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब कल छुट्टी है, कल 14 तारीख है, नेक्स्ट डे मतलब 15 अप्रैल 15 अप्रैल 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और मैंने जो लाइव डेमो दिखाता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का और मेरा बाइसल लेवल्स का और चार्ट का सेटअप्स का जो डेमो दिखाता हूँ तो वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा बाइसल लेवल कम स्किनर का थ्रू में मैंने बाइसल लेवल ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का व्यू दिखाता हूँ तो आप लोग को ट्रेडिंग में काम पर आएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है जो आप लोगों को स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करना बहुत ही आसान होगा। और इस फाइल का जो है, इस फाइल में क्या क्या है, व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल इन दिस बाइसल लेवल फाइल, वो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये फाइल इस्तेमाल करके आप लोग स्टॉक मार्केट में काम करने का बहुत ही आप लोग को आसान हो जाएगा और प्रॉफिट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप लोग बाइसल लेवल देखे आप लोग प्रॉफिट कमा सकता है। और ये जो मेरा चैनल है इसमें जो जितना मैं वीडियो डालता हूँ ये बिल्ड एजुकेशन इंफॉर्मेशन पर्पज़ बनाना देता हूँ। आप लोग कोई भी डिसीजन लेंगे तो आप लोग का फाइनेंशियल कंसल्टेंट का परामर्श जरूर ले लेंगे। तो देखिए मैंने निफ्टी का और ये आप लोग इसमें फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा, वो सैम्पल फाइल होगा, वो देख के आप लोग को पता चलेगा इसमें क्या क्या है। और मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकता है। मेरा आप लोग डेमो देखना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9830844160 मेरा वेबसाइट है, उसमें यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप लोग को व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं जो ट्रेनिंग के लिए इंतजाम करके रखा हूँ आप लोग का ट्रेनिंग बहुत सारा ट्रेनिंग का और ट्रेनिंग शेड्यूल में क्या क्या है वो भी आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और तो ट्रेनिंग के लिए आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है, मैंने जो लाइव डेमो देखा था वो कैसे मैच कर रहा है, कैसे मैंने नेक्स्ट डे के लिए प्रिडिक्ट करता हूँ वो भी कैसे मैच करता है, वो आप लोग को कैलकुलेशन वगैरह और चार्ट का जो सेटअप है उसको भी आप लोग को सिखाऊंगा। ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल रखा हूँ तो मेरा मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। और जो जो लोग आस्था डेट एलिस ब्लू एंजल वर्किंग आप स्टॉक्स में ज्वाइन होना चाहता है मेरे यूट्यूब वीडियो का लिंक के थ्रू में ज्वाइन हो सकता है। तो देखिए मैंने ये डेली चार्ट ओपन किया हूँ, देखिए इधर एक परफेक्ट पेयर बना है, कल जो अगला दिन जो दिन बना था उसके बाद एक रेड बुलिश कैंडल ये कपिल बनता है, ये जो पेयर बनता है इसका एक सिग्निफिकेंस रहता है, उसके बाद मार्केट एक डिसिसिव डायरेक्शन लेता है। तो अभी मार्केट का थोड़ा सा ऊपर जाने का चांस ही ज़्यादा लगता है। तो देखिए आप लोग का जो मेरा मैंने प्योरली मेरा व्यू देता हूँ तो ये जो आप लोग का जो और भी आप लोग का अपना तरीक़े से आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए इधर मार्केट ऊपर जा सकता है, इधर 9035 में इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद इधर जो रेजिस्टेंस दिखेगा इसका 9366 में इसका रेजिस्टेंस दिखेगा, ठीक है। उसके बाद जो और जो 9366 का रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 9943, उसके बाद 10550 या 10520 से 550 तक ऊपर जाएगा। लेकिन मैंने फिर से एक बार बोलता हूँ इधर देखिए 9332, उसके बाद 9513, उसके बाद 9900 का ऊपर जो मैंने आप लोग को अभी दिखाया उसका लेवल्स है, और नीचे का जो लेवल्स है वो दिखेगा आप लोग को 8844, उसके बाद 8557, उसके बाद 8356, उसके बाद 8080, उसके बाद देखिए मार्केट पहले वो ऊपर जाएगा उसके बाद फिर से ये एटलीस्ट 3-4 हज़ार या 5 हज़ार पॉइंट नीचे गिरने का चांसेस है। तो यही मेरा व्यू है। तो इसके बाद 7500 का जब तोड़ेगा तो 7200, उसके बाद 6400 या 5600 तक आने का प्रोबेबिलिटी है इसका। तो ये प्योरली मेरा व्यू है। मैंने आप लोग 27 मार्च का मेरा जो निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन है और भी
उसके बाद से मैंने जो मैं दिखाता हूँ वो भी आप लोग देख सकता है। तो यही मैंने व्यू लेके चलता हूँ, हो सकता है आप लोग भी, आप लोग मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन आप तरीके से आप लोग भी एनालिसिस कर सकता है। तो फिलहाल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता हूँ ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैच करेगा। और मेरा जो बाइसेल लेवल्स दिखाऊंगा एक्सेल शीट से, वो आप लोग को नहीं मिलेगा तो आप लोग मेरे को बोल सकता है, जरूर फीडबैक देंगे। और निफ्टी बैंक निफ्टी का जो मैंने चार्ट दिखाऊंगा, उसके बाद बैंक निफ्टी का जो चार्ट में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी का चार्ट में वो भी एक परफेक्ट काबिल बना है, परफेक्ट पेयर बना है। तो इधर से ऊपर नीचे कुछ भी जा सकता है, अभी थोड़ा सा नीचे भी इसका डायरेक्शन ले सकता है, लेकिन ऊपर भी जा सकता है, इसके कुछ कह नहीं जा सकता, लेकिन ऊपर ही अभी तक जाने का चांसेस है थोड़ा सा, उसके बाद ही ये फिर से नीचे आएगा। ग्लोबल कंडीशन, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन आप लोग सोच सकता है, और लॉकडाउन, और लॉकडाउन के उसके बाद कैसा हो सकता है, वो बहुत ही बड़ा फंडामेंटल एनालिसिस है, वो आप लोग कर ले सकता है। तो उसके हिसाब से आप लोग सोच सकता है कि नीचे आने का प्रोबेबिलिटी है और ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी। तो देखिए पहले 20,000 का 19 में मैंने ज़्यादा लंबा प्रिडिक्ट नहीं करूँगा, मैंने डेली का प्रिडिक्ट करता हूँ। 20,019 का में इसका रेजिस्टेंस बनेगा, उसके बाद 21,092 में इसका रेजिस्टेंस बनेगा, उसके बाद 21,860, ठीक है, उसके बाद जो है इधर से देखना पड़ेगा 79 का लेवल इधर लगा, हाँ 22,309, उसके बाद 24,223 तक, 223, उसके बाद 26,136, उसके बाद ही ये गिरा, उसके बाद ये जरूर गिरेगा, ऐसे ही मेरा लगता है। तो इसके बाद 19,000 नीचे सपोर्ट है 19,291, 18,778, 17,409, 16,337, 16,116 का लेवल जब ब्रेक करेगा ये, तो 16,000 का लेवल ब्रेक करने के बाद ये 11,706, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, 11,706, 11,000 सॉरी 11,000 ये कितना है, 18,000 लगता है शायद, हाँ, इसके बाद 17,214, उसके बाद 13,906 तक तो दिख रहा है, 13,906 के नीचे जाएगा तो बहुत ही नीचे गिर सकता है, 7,000 तक ये चला सकने का क्वालिटी दिख रहा है। तो मैंने मेरा बाय सेल लेवल से भी एक्सप्लेन करूँगा क्यों मेरे को ऐसा लगता है। तो देखिए इधर जो गन एंगल का 360 डिग्री एनालिसिस है, ये अप साइड का है, ये डाउन साइड का है, ठीक है, ये बॉटम से ये आप चालू किया, ठीक है, ये पहले तो ऊपर से नीचे ऊपर जिग गया था, उसके बाद ये बॉटम से आपका जो है वो आप लोग देख सकते हैं, अभी इस लेवल पे है 9,013, ये पहले तो इधर आया था 9,107 से 9,200, इस लेवल पे ये चल रहा है, अभी ये इस लेवल पे चल रहा है, 8,991 इस लेवल पे चलेगा, तो हो सकता है इधर सपोर्ट ले सकता है, फिर से इधर सपोर्ट ले सकता है, लेकिन फिर से ये कल साइकिल कंप्लीट करने का प्रॉबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है इसका। और बैंक निफ्टी का भी ये 20,950 इसका लेवल तक आने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा है इस साइकिल पे। तो इसका मैंने लंबा ट्रेंड कुछ दिखाने का आप लोग को दिखाऊंगा, तो इसीलिए आप लोग इसका देख सकता है, ये बाइसल लेवल मैंने बाद में दिखाऊंगा, जब मैंने बाइसल लेवल दिखाऊंगा, फिलहाल जो एनालिसिस करने के लिए जितना ज़रूरत होगा उसको ही मैंने दिखाता हूँ। तो देखिए इधर जो 360 डिग्री एनालिसिस, ये 360 डिग्री एनालिसिस डेली डेली डाटा के ऊपर किया है, वो है एक्चुअली लंबा डाटा, मतलब मंथली या ईयरली डाटा लेके किया है। तो इधर जो देखता है कि इधर 9,023 के ऊपर इसका बाई लेवल दिखा रहा है, ठीक है, इसका साइकिल कंप्लीट होगा 9,803 तक इसका दिखा रहा है, और नीचे का लेवल जो दिखा रहा है
ये 8,984 का नीचे, इसका नीचे का लेवल दिखा रहा गया, क्योंकि वो 8,998 का तो नीचे ऑलरेडी है। इधर 8,200 में इसका फर्स्ट साइकिल ख़त्म हो सकता है, उसके बाद 9,000 के ऊपर ये सेकंड साइकिल बाई के साइड में जो चालू हो सकता है, और इधर बाई का साइड में जब चालू होगा और सेल का साइड में इसका चालू हो सकता है 8,000 से 7,200 तक आएगा, मतलब वो बाद में होगा, अभी ये बाई का साइड में ही जाएगा। ठीक है, तो इसका इधर से एक अब लोग साइकिल दिखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ इधर से कुछ लंबा ट्रेंड देखे एनालिसिस करूँगा, तो इसीलिए मेरा लगता है कि ये अभी कुछ ऊपर जाएगा, उसके बाद ही इसका बॉटम आउट होगा। तो इधर देखिए, इधर जो टू रेंज मतलब वन डे डेली का टू रेंज, इधर देखिए डेली का टू रेंज का हिसाब से जब गन एंगल मैंने कंसिडर करूँगा, तो ये 9,044 के ऊपर इसका वाई लेवल दिखा रहा है, और नीचे का जो लेवल, और ये ख़त्म होगा ऊपर जा सकता है, और इसका 360 डिग्री कंप्लीट करेगा, 9,500 तक जा सकता है, और ये जो नीचे का लेवल चालू हो सकता है, ये तो ऑलरेडी नीचे है, तो नीचे का लेवल पकड़ना है 8,979 से। तो इधर से 8,955, इधर से जो इसका साइकिल है होगा इधर 8,727 तक इसका आने का चांसेस है, 8,727। और इसका जो है ये है ATR का बेस, ATR बेस 14 पीरियड का, तो 14 पीरियड का जो है ये 9,074 का ऊपर ये जब जाएगा, तो इसका 9,074 का आप लोग लेवल, एक एक लेवल नोट कर सकता है, और 360 भी ख़त्म हो गया 10,741 के आसपास। तो इधर और इसका जो इसका नीचे जो जब दिखाएगा, तो इसका तो ऑलरेडी इसका नीचे है, तो 8,935 का नीचे, या 8,845 का पर्टिकुलर 8,845 45 डिग्री एंगल है, 8,845 का नीचे ये नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है 7,750 तक। ठीक है, और इधर जो ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन का 7 डेज का हिसाब से मैंने देखूंगा, तो इसका ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन का हिसाब से ये ऑलरेडी ये इस लेवल पे है, इस लेवल पे है, इसका ऊपर है, मतलब इस लेवल पे है 9,005, इस लेवल पे है, तो इसका 7 डेज का हिसाब से ये 9,500 में ख़त्म हो रहा है, और इधर 8,700 से इसका चालू होगा, तो ये वीकली का है, और ये होगा बाई वीकली का। हाँ, ये बाई वीकली का अभी आप लोग को दिखा देता हूँ लेवल, बाई वीकली का ये ऊपर इसका जो लेवल है अभी जो फिलहाल जो है ये 9,007 का लेवल पे है, तो इधर इसका 9,500 तक ये भी आ सकता है, और 30 डेज का यार 8,700, 8,000 से नीचे का लेवल आएगा। और इधर देखिए बॉटम आउट होगा, अभी इसका हिसाब से बॉटम आउट हो रहा है, तो इंडिया बेस का उसके साथ इसका मंथली रेंज है 1,750। ठीक है, और इधर आप लोग बैंक निफ्टी भी इधर इसके साथ नोट कर सकते हैं, मैंने निफ्टी देख के पकड़ के चल रहा हूँ। तो इधर इसका बॉटम आउट ऐसे करके हो सकता है, जो अभी फिलहाल ये इस लेवल पे है, इसका इस लेवल पे है, तो इसका पहले इसका ऊपर जा सकता है, और इधर जो मिड अभी जो मिड टर्म का जो वैल्यू है, तो मिड टर्म में ऐसे चल सकता है, और इधर उसके बाद जब नीचे आएगा, तो इसका ऊपर आएगा। तो इसका जो है इस 30 डेज का हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, 30 डेज का हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन ये 9,510 के ऊपर बनता है, तो इधर 510 के ऊपर ये 7,000 ये गया, 12,300 इतना तो आएगा नहीं इसका, तो उसका पहले ही इसका डाउन ट्रेंड चालू होगा ऐसा लगता है, और नीचे का लेवल ऐसा दिख रहा है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का वन डे डेली सबसे आप लोग ये नोट कर सकता है, नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करने के लिए आप लोग ये जरूर नोट कर सकता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का बाय सेल लेवल आप लोग जरूर नोट कर सकता है। और इधर से मैंने जो दिखाऊंगा आप लोग को वो है, ये वोलेटिलिटी बेस्ड कुछ दिखाऊंगा, तो उसका लेवल आप लोग फिबोनाची का लेवल दिख सकता है,
फिबोनाची का लेवल 7 डेज का हिसाब से और बहुत सी 7 डेज का, 5 डेज का, 3 डेज का, 2 डेज का, 1 डेज का, 15 डेज का, 13 डेज का, 1 ईयर का हिसाब से देख सकता है। फिबोनाची का जो वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स है वो भी नोट कर सकता है, ठीक है, बाई सेल लेवल्स। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गन एंगल्स और गन डिग्रीज, इसका भी आप लोग जरूर नोट कर सकता है और इसका हिसाब से नहीं चलेगा तो हाँ गैप अप और गैप डाउन का आप लोग को कंसीडर कर लेना है। नेक्स्ट कब कौन सा लेवल आता है, सर जी लीजिए आप लोग 9110 के ऊपर खुला है तो आप लोग को देखना पड़ेगा उसके ऊपर 9117 को जाने के बाद या 130 के जाने के बाद आप लोग को देखना है। तो ऐसे करके आप लोग देखेंगे और ये नहीं मैच करेंगे तो आप लोग को मेरे को ज़रूर फीडबैक देंगे। तो और ये इसका गन एंगल हो गया और गन डिग्री जो है वोलेटिलिटी वेस्ट, इसका आप लोग देख सकते हैं, इसका जरूर नोट कर सकते हैं। मैंने वाइसल लेवल्स और भी दिखाऊंगा, जब वाइसल लेवल्स दिखाऊंगा तो वाइसल लेवल्स का अलग वीडियो बनाता हूँ उसका दिखाऊंगा। यह फिबोनाची का 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का लेवल और यह है इलियट क्वेक का लेवल और एक लेवल और भी दोनों लेवल है, ये दोनों लेवल भी आप लोग नोट कर सकता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। पर्टिकुलरली ये जो लेवल है T1 से जो वाई का 70 लेवल उसके बाद T1, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये आप लोग जरूर नोट कर सकता है। और कौन सा लेवल पे कौन सा चलेगा वो लेने के लिए ऐसे ही आप लोग को फाइल या कॉल मिलेगा मेरा पेड सर्विस लेने के बाद, तो मेरा गाइडेंस तो जरूर रहेगा। जैसे मैंने चार्ट और देख के और कौन सा लेवल पे घुसना है मैंने जो लाइव डेमो दिखाता हूँ उसमें दिखा देता हूँ। और निफ्टी बैंक का तो दिखा दिया, अच्छा ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑप्शन चेन को दिखा देता हूँ आप लोग जो फिर सर मैंने जो लाइव डेमो दिखाता हूँ और बहुत सारा लेवल्स कंपेयर करके उसके बाद चार्ट देख के मैंने दिखाता हूँ और आप लोग देखते हैं वो कैसे मैच करता है हर रोज। और आप लोग अगला दिन का फाइल भी देख सकते हैं, जो लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे सॉरी टेलीग्राम चैनल पे है वो लोग देख सकते हैं अगला दिन का। मैंने इरादा था आज डेमो मतलब लाइव डेमो दिखाने के टाइम मैंने उस फाइल का डी भी दिखने का इरादा था लेकिन दिखाना पाया, मेरा नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसीलिए। तो ये देखिए ऑप्शन चेन में 9000 इसका PCR रेशियो 1.14 है, 9500 में इसका सपोर्ट बनता है, रेजिस्टेंस बनता है और 8500 में इसका सपोर्ट बनता है। और इधर सभी पूरा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है कॉल साइड में और पुट साइड में भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो इसलिए ये साइडवेज मूवमेंट दिखाने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ऊपर जाने का कोशिश करेगा लेकिन सेलिंग प्रेशर भी है। तो आज का जो कैंडल आप लोग एनालिसिस करेंगे वो भी आप लोग देख सकते हैं कि ये ऊपर जाने का कोशिश किया, इसका पहले ऊपर जाने का ये एक लॉन्ग बॉडी कैंडल बना है, उसका वीक भी और वीक और जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट सेम सेम है लेकिन बॉडी थोड़ा सा लंबा है। इसका जो बॉडी है इसका जो बॉडी है ये ऊपर जाने का कोशिश किया था थोड़ा सा लंबा है क्योंकि ये ऊपर गया था ऊपर जाने का, लेकिन पूरा सेलिंग प्रेशर आ गया, पूरा सेलिंग प्रेशर आने के बाद ये बियरिस होके क्लोज हुआ है, इसका बियरिस हो गया है तो पूरा सेलिंग प्रेशर इसका आ गया है। तो ये मतलब एक इनसाइड द बार हो गया है, मतलब अगला दिन का अंदर इसका अगला दिन का हाई भी नहीं तोड़ पाया और लो अगला दिन का नीचे भी नहीं गया है, इसका लो आज का लो अगला दिन का नीचे भी नहीं गया, तो एक इनसाइड द बार हो गया है। तो मतलब अगला दिन का ये जो कैंडल है मतलब 9131 और 9128 और 8904 इसका जो लेवल ब्रेक होगा तो एक अच्छा मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। तो इसके इसीलिए मैंने जो बोल रहा था तो कि इधर ऊपर जाने का कोशिश जो उधर दोनों साइड में शॉर्टिंग हो रहा है तो इधर थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, बाई साइड में भी जाने का कोशिश कर रहा है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी आ जा रहा है
तो इसलिए इधर कुछ मतलब साइडवेज मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। और इधर बैंक निफ्टी का जो देखूंगा तो इसका देखिए, इधर इसका पीसीआर रेशियो 1.03 मैंने नोटिस किया है। और इसका तो देखिए, इधर बहुत सारा जगह मतलब बना है सपोर्ट, रेजिस्टेंस भी बना है, सपोर्ट भी बना है। तो मैंने 20,500 का लेवल और 18,500 का लेवल मैंने पकड़ा हूँ। तो इधर भी शॉर्टिंग, और दोनों साइड में शॉर्टिंग हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, उधर भी ऐसा ही होने का चांसेस है। और पीसीआर रेशियो नीचे है, दो बीपी वैन में दोनों का पीसीआर रेशियो नीचे है। इधर कॉल साइड में वोलेटिलिटी फिर से बढ़ गया है, और कॉल साइड में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी फिर से बढ़ गया है। दोनों साइड में बढ़ा है, कॉल साइड में भी बढ़ा है, और पीसीआर रेशियो नीचे जा रहा है। तो यह इंडिकेट कर रहा है कि ये थोड़ा सा नीचे आने का अभी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन ऊपर भी जाने का प्रोबेबिलिटी है। और इधर मैंने प्रोबेबिलिटी दिखाता हूँ, प्रोबेबिलिटी का जो है ये प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने का मतलब 3 दिन का हिसाब से बैंक निफ्टी का और बैंक निफ्टी दोनों ही थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आप लोग कौन सा हिसाब से वो आप लोग देख देख सकते हैं, मतलब मैंने इसको 9,200 कर दूंगा। अगर मैंने 9,200 कौन सा लेवल है आप लोग को जरूर नोटिस कीजिए, कौन सा हिसाब से ये दिखा रहा है प्रॉबिटी। ये जगह देखिए, 9,200 जब मैंने कर दूंगा, इसका क्या आ रहा है। ओहो, मेरा फाइल में भी प्रॉब्लम। देखिए, मैंने इसका जब 9,200 कर दूंगा तो इसका प्रॉबिटी और भी बढ़ गया है। और इसका जब 8,800 कर दूंगा तो इसका क्या हो रहा है। तो देखिए, ऑलमोस्ट सेम सेम हो रहा है। तो इधर 33 पॉइंट थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखा रहा है जरूर, ठीक है। और इधर भी ऐसा ही है, इधर मैंने इसको 19,000 कर देता हूँ। तो इसका जब 19,000 कर दूंगा तो ये 35, दोनों साइड सेम सेम रह जाता है। और इधर 20,500 का दे, दोनों साइड सेम सेम। तो इसीलिए मैंने बोल रहा हूँ, जब प्रोबेबिलिटी तो दिखाता है ऑप्शन चेन का हिसाब से 9,500 8,500 में थोड़ा सा इधर ऊपर दिखा रहा है। तो ये लेवल आप लोग जरूर नोटिस कीजिएगा, तो उसी का हिसाब से ये प्रोबेबिलिटी को पकड़ना है। तो और जो दिखाना है तो इसका गन का एंगल तो दिखा दिया, ठीक है। और अभी तो एनालिसिस करने का कुछ नहीं है। तो मैंने अगला दिन का जो फाइल मैंने दिखाया था, अगला दिन का जो फाइल मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था, उसको आप लोग को दिखाऊंगा। ये जो फाइल, उसका हिसाब से आज मैंने तो लाइव मार्केट में भी अपडेट करके दिखाया, और अगला दिन का फाइल का हिसाब से भी आप लोग को दिखा देता हूँ। शायद टाइम लग जाएगा, तो ऐसा हुआ था इसलिए दिखा नहीं पाया, वीडियो लंबा हो जाता है। इतना सारा फाइल खोलने से और इतना सारा टैब खोलने से प्रॉब्लम हो जाता है। तभी कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने एक रियलिस्टिक पिक्चर लेकर आने का कोशिश, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाए। तो इसीलिए मेरे दिखाने का इरादा है। तो देखिए, इधर अगला दिन का जो फाइल था, ये 9,075 के ऊपर बाई का लेवल था। तो सोच ले सकता है बाई का लेवल आया नहीं था। और सेल का मैंने एक बाई सेल लेवल 1 पकड़ा है, और 9,019 का नीचे इसका सेल लेवल था। तो आप लोग चार्ट में देख सकते हैं, 9,019 का नीचे ये कितना दिन तक नीचे आया था, 8,912 का नीचे आया था। पहले तो इसका ऊपर गया था। आप लोग मैंने लाइव डे मेरा लाइव डेमो चार्ट देख लीजिए, या आप लोग खुद देख लीजिए चार्ट पे पहले इसका, उसमें आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इसका ऊपर तो ऊपर गया था पहले, वो जो पहला जो 15 मिनट का कैंडल है, तो ये तो इसका जो ओपन हुआ था 9,102 पे, तो 9,019 का नीचे जब ये आया था, तो ये 8,000 पहले ही 8,979 इधर आप लोग देख सकता है, 8,931 में आ गया था। उसके बाद 8,912 तक ये आ गया था, ठीक है।
तो नीचे का लेवल से ऐसा दिख रहा है। तो ये तो आ गया वाइसर लेवल 1। तो देखते हैं और भी लेवल्स इसका, देखते हैं कुछ भी लेवल्स आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग को ऐसा ही दिखेगा। ये 9,740 का वाई का लेवल था, ये जब 8,900, ये 8,946 का नीचे जब इसका नीचे आया था, इसका नीचे गया है। इसके बाद कुछ भी लेवल्स, गान का लेवल्स आप लोग देखिए, कोई भी लेवल देख सकता है। मैंने तो दिखा नहीं, आप पहले से दिखा नहीं। ये 9,123 का ऊपर गया नहीं, ठीक है 9,123 का ऊपर गया ही नहीं, 9,999 का नीचे जब आया था, 9,087 का नीचे, ये देखिए कितना नीचे आया है। ठीक है कोई भी लेवल आप लोग देख सकता है। गन स्क्वायर ऑफ 9, ये है गन स्क्वायर ऑफ 9 का लेवल, ये नीचे वाला लेवल आप लोग नोट कर सकता है। तो मेरा ये दिखाने का मतलब और ये जो लाइव वीडियो दिखाता हूँ इसका मतलब ये है, आप लोग इसका पेड सर्विस ले सकता है, ये फाइल आप लोग मिल सकता है, या मेरा गाइडेंस भी मिल सकता है, और आप लोग ट्रेनिंग भी ले सकता है, तो इसका फ़ायदा आप लोग उठा सकता है। इधर देखिए 9,013 का नीचे इसका नीचे आ गया है, ठीक है। और इसके बाद इसका जो मेरा जो जो मैंने बोलता हूँ सबसे अच्छा नहीं, मेरा प्रेफरेंस है वो वोलेटिलिटी बेस्ट में काम करना, क्योंकि वोलेटिलिटी बेस्ट जब होता है तो वो अच्छा मूवमेंट देता है, मतलब उसका मूवमेंट एक्यूरेट परफेक्ट आ जाता है, क्योंकि जब वो वोलेटिलिटी के साथ लिंक होता है। तो इसका देखिए, इसका जब लेवल आएगा, इधर देखिए वोलेटिलिटी बेस्ट जो गन एंगल्स है, या गन डिग्रीज बोलूँगा मैं, गन एंगल्स दूसरा चीज़ है। ये देखिए 9,999 के नीचे इसका नीचे आया था, इसका देखिए 9,920 के जब नीचे आया था, ये एकदम 8,943 के नीचे तो आ गया था, 8,912 तक इसका लो गया था आज, और ऊपर वाला लेवल तो ये गया नहीं। उसके बाद तो मैंने आप लोग का सामने ही मैंने फाइल अपडेट किया और लाइव डेमो दिखाया, और उसके साथ मेरा लाइव डेमो देख लीजिए और कंपेयर कर ले सकते हैं। अगला दिन जो देता हूँ और लाइव मार्केट में अपडेट करके जो देता हूँ को कितना अच्छा, मतलब दोनों दोनों ही कैसे अच्छा मूव कर सकता है। और किसी ने आप लोग को किसी का कुछ क्लैरिफिकेशन है तो चाहिए, या कभी भी किसी लेवल्स कुछ मैच नहीं किया, आप लोग को जरूर मेरे को जरूर फीडबैक दीजिएगा। और थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा, जो कुछ थोड़ा बहुत मैच किया जाता है आप लोग को अच्छा लगता है, वो भी उसके लिए भी थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा थोड़ा बहुत। एनीवे तो आज यही ख़त्म करता हूँ, धन्यवाद। मैंने बाइसेल लेवल बाद में दिखाऊंगा।